वेलकम स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हेन डू वी यूज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हमें यूज़ कब करना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट्स आर सेपरेट फ्रॉम बिजनेस एज यूजुअल एक्टिविटीज अकर व्हेन। प्रोजेक्ट क्या है कि एक सेपरेट है बिजनेस से, एक यूजुअल एक्टिविटीज मतलब जरूरत पड़ती रहती है। एंड अकर व्हेन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू डिलीवर अ सॉल्यूशन टू सेट रिक्वायरमेंट विद इन द एग्रीड बजट एंड टाइम फ्रेम। और जब ऑर्गेनाइजेशन को एक किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना हो, डिलीवर करना हो अकॉर्डिंग टू द बजट एंड टाइम फ्रेम, तो इस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। प्रोजेक्ट्स रिक्वायर अ टीम। प्रोजेक्ट्स में टीम की रिक्वायरमेंट होती है, टीम ऑफ पीपल टू कम टुगेदर टेम्परेली टू फोकस ऑन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टीम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसमें हम उसे हम एक प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट इफेक्टिव टीम वर्क इज सेंट्रल टू सक्सेस प्रोजेक्ट। एक भी कोई भी इफेक्टिव टीम वर्क किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। प्रोजेक्ट रिक्वायर टीम ऑफ पीपल टू कम टुगेदर टू फोकसली, ठीक है। तो ये आपको मैं बता ही चुका हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट को अचीव करने में एक टीम ही सबसे बड़ी इफेक्टिव है, मतलब टीम ही इंक्लूड रहती है इसमें। एज अ रिजल्ट इफेक्टिव टीम वर्क इज सेंट्रल टू अ सक्सेस प्रोजेक्ट। तो अगर टीम वर्क है तो फिर वो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजिंग डिस्क्रीट पैकेज ऑफ वर्क टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है कि कंसर्न है जिसमें अलग अलग वर्क का एक पैकेज बना दिया जाता है और उस जिसमें जिससे हम ऑब्जेक्टिव को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। द वे ऑफ वर्क इज मैनेज डिपेंड्स अपॉन अ वाइड वेराइटी ऑफ फैक्टर्स, ओके। तो इसमें क्या है कि वे ऑफ वर्क अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड रहता है, लाइक स्केल, सिग्नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क आर ऑब्वियस फैक्टर। स्केल मतलब कितने बड़े स्केल पे हो रहा है, सिग्निफिकेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी वर्क का कितना कॉम्प्लेक्स वगैरह है, ठीक है। रीएलोकेटिंग अ स्मॉल ऑफिस एंड ऑर्गेनाइजिंग था ओलंपिक्स शेयर बेसिक प्रिंसिपल, मतलब कितना ऑफिस आपका बड़ा है कितना छोटा है वो सब भी इसमें डिपेंड करता है। बट ऑफर वेरी डिफरेंट मैनेजरियल चैलेंजेस। ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्टिव मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है हम इसको इस टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। आउटपुट, हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है, आउटकम क्या आउटकम है, लाइक सच एज स्टाफ बीइंग रीएलोकेटेड फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन टू द न्यू एचक्यू, ओके। मींस जो भी स्टाफ है वो अलग अलग लोकेशंस पे हैं और उसे हम रीएलोकेट करने वाले एक नया ऑफिस पे। बेनिफिट, क्या बेनिफिट है जिससे ऑब्जेक्टिव में क्या इसका बेनिफिट है, इसमें क्या है कि हमारा जो ट्रैवल वगैरह वो रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सच एज डबलिंग ऑर्गेनाइजेशन शेयर प्राइस इन 3 ईयर्स, मतलब लाइक इससे आपका ये भी हो सकता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का प्राइस है वो डबल हो जाए 3 साल।